हमारे इंद्रगढ़ में धरना प्रदर्शन पर भाजपा कार्यकर्ता, धरने के दौरान कांग्रेस पर लगाए गए गंभीर आरोप। बलरामपुर में कई वार्डों में चल रहे परिसीमन का कार्य, ग्रामवासियों ने दर्ज कराया विरोध। सरायपाली में अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं भूमाफिया, अवैध प्लॉटिंग के साथ ही चोरों पर चल रहा अवैध निर्माण कार्य। अंबिकापुर में पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता, करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला गिरफ्तार, आरोपी पर मुकदमा दर्ज। अंबिकापुर में हाथी दल का बिछड़ा एक सदस्य नर्सरी में पहुंचा कर मचाया उत्पात, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेतगढ़ तहसील कार्यालय के पास भाजपा ने अवैध धर्मांतरण एवं रासुका कानून का दुरुपयोग करने वाले के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, साथ ही कलेक्ट्रेट के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए। वहीं भाजपा ने अपनी मांग में पत्र में धर्मांतरण एवं रासुका कानून का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पर रासुका कानून के खिलाफ में हम धरना प्रदर्शन किए जो सरकार द्वारा लागू किया गया है। नारायणपुर में नर संहार करके उनके ऊपर रासुका कानून लगाया गया है और वहाँ के आदिवासियों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है और हम इसके माध्यम से हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। ससम्मान उनको रिहा करें, नहीं तो हम और उग्र का रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। भाजपा जिला इकाई मनेन्द्रगढ़ का आज धरना प्रदर्शन रहा है और मैं ज्ञापन लेने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। इनकी कानून व्यवस्था से संबंधित कुछ नियम कायदों को लेकर के मांग है। ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और इसे कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करूंगा, उसके बाद शासन स्तर तक कार्रवाई के लिए। आज जो धरना प्रदर्शन था इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ, जो उन्होंने बैकडोर से रासुका जैसे कानून को यहां लागू किया 31 जिलों में, और साथ ही बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के उस वनांचल साथियों के खिलाफ रासुका जैसे कानून को लागू करके उन्हें जेल में डाल दिया गया है और साथ ही धर्मांतरण के जैसे विषयों पर हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आदिवासी समाज के साथ हैं और साथ खड़ा रहेंगे। बलरामपुर के राजपुर नगर पंचायत में वार्डों का परिसीमन का कार्य चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत नवकी और ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा को शामिल किया जाना है। लेकिन इस संदर्भ में ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा के सरपंच, पंच और ग्राम वासियों ने विरोध दर्ज कराया है। सभी का आरोप है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव फर्जी प्रस्ताव बनवाकर ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा के कुछ वार्डों को राजपुर नगर पंचायत में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम वासियों ने इसकी शिकायत कई आला अधिकारियों से की है, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के चलते ग्रामवासी न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर है। कि हमको ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा में हम लोग निवास करते हैं और नगर पंचायत में जोड़ना चाह रहे हैं, शासन की मंशा है या क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग पूरा ग्रामवासी चाह रहे हैं कि हम यथावत ग्राम पंचायत बूढ़ा बगीचा में ही रहें। हमको बहुत परेशानी है, क्या बोलते हैं, हम लोग का नरेगा का काम छिन जाएगा और आज कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, SP साहब के पास भी गए थे, जिला पंचायत में भी गए थे, हमको किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम नगर पंचायत में बेकर चलते नहीं जुड़ा चाहते कि हम मनरेगा वाला काम करती और कहीं कहीं काम करती, वो सब बंद हो जाए तो हम कहाँ से काम करब, कहाँ से लेकर छो सब गरीब दुखी का हमन आदमी हैं, दिन भर मजदूरी करब तो हम गाड़ी घर का डिक्स पटाब कि हम लेकर छो सब।
सरायपाली में इन दिनों भू माफिया कीमती जमीनों को औने पौने दामों में खरीदकर उसकी अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को महंगे दामों में बेचकर अपनी जेब भी भर रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग के अलावा अवैध निर्माण कार्य भी इन दिनों जोरों पर है। लगातार शिकायत मिलने के बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सरायपाली SDM का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग करने और अवैध निर्माण करने वालों की सूची तैयार की जा रही है, जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जानकारी संपूर्ण शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जानकारी ली जा रही है, टीम का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही अवैध प्लॉटिंग वालों के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। देखिए, जो शिकायतें हमको प्राप्त हुई थी, उन शिकायतों के आधार पर तत्कालीन जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थे, उनको शिकायत दी गई थी, उनके द्वारा FIR के आदेश दिए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक FIR नहीं हो पाई है। हाँ, मेरे जानकारी में है और मेरे द्वारा स्वयं अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें की गई हैं, जिससे शासन को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है अवैध प्लाट विक्रेताओं द्वारा। और इसमें जो क्रेता हैं, जो प्लाट खरीदी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का है। उनको चौड़ी सड़कें, नाली, अन्य सुविधाएं जो कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत मिल सकती हैं, नहीं मिल पाएंगी। अभी अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें प्राप्त हुई है, कुछ में जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जांच प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त हैं, जिससे कई कई भी जांच प्रतिवेदन पूर्ण होकर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, बट मैं उनको देख रहा हूँ, जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। सरायपाली में संचालित स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह महाविद्यालय में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के 50 वर्ष पूरी होने पर यह स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक और स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। साथ ही महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और परिवार से रक्तदान करने वाले 64 लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए, आज स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली में स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है और जैसा कि हमारे सुश्री राज मैडम ने जो कहा कि आपके पिताजी स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह को क्षेत्र के लोगों ने जितना प्यार दिया और उनके नाम का जो आज कॉलेज है, उससे हजारों विद्यार्थी इस कॉलेज से पढ़ के आज अच्छे नागरिक, अच्छे नेता और अच्छे अधिकारी के रूप में भी कई जगह काम कर रहे हैं और उसका आज स्वर्ण जयंती का हम लोग साक्षी बने हैं। और ये स्वर्ण जयंती की मैं सभी को बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। महाविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, 50 वर्ष के बाद इस स्वर्ण जयंती उत्सव महाविद्यालय में आया है और सभी छात्र छात्राएं, स्टाफ, भूतपूर्व जो एकेडमी के सदस्य हैं और हमारे सारी समितियां गदगद हैं, उल्लासित हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको एकदम आकर्षक ढंग से जो है मनाएं। ये इस महाविद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारा यह कॉलेज शैशवावस्था से उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। हम 50वीं सालगिरह हमारे महाविद्यालय का मना रहे हैं। यह महाविद्यालय जब शुरू हुआ, उस समय हमारे जो सरायपाली के सम्माननीय बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग लोग थे, जिनमें मेरे पिताजी भी थे, उन सब के प्रयास से इस पिछड़ा क्षेत्र, सरायपाली बहुत पिछड़ा था, यहाँ हर चीज़ की कमी थी, उतनी सुविधा नहीं थी। उस समय शिक्षा के लिए ये एक ज्योति की तरह हमारे क्षेत्र में शुरुआत की गई और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महाविद्यालय में मैंने अध्ययन किया है। महासमुंद में पुलिस ने 20 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है।
आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति सांकरा क्षेत्र में शराब का अवैध परिवहन करने वाले हैं, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और शराब सप्लायर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही कर रही है। हमारे द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है मादक द्रव्यों के खिलाफ और मादक पदार्थों के खिलाफ। इसी तारतम्य में पिछले 15 दिन के अंदर करीब 2000 लीटर कंट्री मेड और विदेशी मदरा हमारे द्वारा जब्त की गई है। इसी तारतम्य में आज नाकेबंदी करके एक इको स्पोर्ट कार से 20 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा कंपनी की पकड़ी गई। ये आरोपी का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अभी एक 170 पेटी अजीत पटेल नाम के व्यक्ति हैं सरायपाली के, उन्हीं ने ही इनको दी थी और इसी को ये खपाने के कहीं जा रहे थे। जांजगीर चांपा जिले के लोग फ्लाई ऐश से परेशान हैं क्योंकि गांव के एक व्यापारी ने अपने खेत जाने के रास्ते में फ्लाई ऐश डलवाया है, जिसके बाद उन फ्लाई ऐश में ना तो पानी का छिड़काव कराया गया है और ना ही मिट्टी से ढका गया है। मामले की शिकायत पर पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और रास्ते में फैलाए गए फ्लाई ऐश और नाले में प्रदूषित जल बहने का परीक्षण किया। साथ ही व्यापारी को मौके पर बुलाकर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण कार्यालय से संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी करने की बात कही गई है। गांव किसान मन नाम वाला बोलिस के राखड़ पड़ा थे, वो जमीन से लगभग 7-8 फीट ऊपर है, रोड से भी ऊपर है। अच्छा पानी है गिरी मिट्टी कतको ही पाठी वो खेत में बह के जही बरसात में। अच्छा सामने में नाला है कतको मिट्टी पाठी पानी जावे कर ही नाला में बह के राखड़। कौन पाटा था भाई? ये आशीष गोयल चांपा लेवल से बहुत हाइट है, लगभग 5-6 फीट तो है ऊपर। पानी गिरी खेत में जा पानी रखा छिड़काव, एक भी छिड़काव नहीं पानी रोड में। मैं क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर से हूँ साइंटिस्ट और यहाँ पे फ्लाई ऐश डंप साइट के लिए शिकायत किया गया था यहाँ के जनपद सदस्य पटेल जी के द्वारा। और उनकी जो शिकायतें हैं कि सड़क स्तर से ऊपर पर फ्लाई ऐश पाटा गया है, बगल से एक नेचुरल नाला जा रहा है उस पर फ्लाई ऐश जाने की संभावना है और साथ में मिट्टी की परत जो बिछाई जानी चाहिए जिससे प्रदूषण को मतलब वायु प्रदूषण ना हो, तो इसके संबंध में इनकी शिकायतें थी। हमने देखा कुछ शिकायत इनकी सही पाई गई। अभी तक नेचुरल नाले पर फ्लाई ऐश पाटा जाना नहीं पाया गया। यहाँ से एक जो ड्रेन होता है ना गांव में जो ताना बहता है उस पर ज़रूर अवरोध पड़ रहा है, उसके लिए अभी आंशिक रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं, आंशिक रूप से मिट्टी पाटा गया है और जितनी चीज़ें हैं उसके लिए कंपनी को और जो ट्रांसपोर्टर है उसको निर्देशित किया जाएगा। सक्ती में सड़क निर्माण और नाली निर्माण को लेकर नगरवासियों और पूर्व अध्यक्ष अनिल चंद्रा की अगुवाही में सड़क पर चक्का जाम हो गया। आपको बता दें कि भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। पिछले कई महीनों से चल रहे आंदोलन में आज नगरवासियों ने सड़क को जाम कर दिया है। वहीं दोपहिया वाहनों को आने जाने से रोका जा रहा है। नगरवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था जिसमें 7 मांगों को लेकर जाँच करने व दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही गई। यहाँ नगर पंचायत क्षेत्रवासियों द्वारा चक्का जाम की सूचना दी गई थी और आज चक्का जाम किया गया था। इस संबंध में यहाँ पर लोगों के द्वारा के सामने आज बातचीत में यह सब बात पर सहमति बनी है कि ये जो निर्माण कार्य है रोड का एवं नाले का, उसे विशेष प्रयासों से दिनांक 21 एवं 30 के भीतर स्टार्ट कर दिया जाएगा एवं अन्य जो मुद्दे हैं उसके संबंध में जिला स्तरीय टीम गठित का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद सहमति बनी एवं इनके चक्का जाम हटाने पर सहमति बनी और यहीं पर रजामंदी हुई। हमारे द्वारा नगरवासियों द्वारा दिनांक 19/11 को आवेदन दिया गया था, उसके बाद एक महीने के बाद फिर आवेदन देकर अनशन पर बैठा गया था। अधिकारियों द्वारा आकर 20 दिवस के भीतर 7 सूत्री मांगों को किया जाएगा बोलकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन 20 दिवस के भीतर उनका कार्य नहीं पूरा हुआ तो नगरवासियों द्वारा चक्का जाम का 7 दिवस पहले अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद भी कार्य नहीं होने पर आज पूरे नगरवासियों द्वारा डबरा नगर बंद कराया गया था, चक्का जाम कराया गया था, जिसमें अधिकारियों द्वारा लिखित
आश्वासन दिया गया है कि 15 दिवस के भीतर रोड और बाकी 5 बिंदुओं पे 10 दिवस के भीतर जांच टीम बैठा दिया जाएगा। अन्य अगर यह नहीं करते हैं उसके बाद तो हम नगरवासी फिर से चक्का जाम एवं आंदोलन करेंगे। हाथियों के दल से बिछड़ा हाथी दल का एक सदस्य अंबिकापुर शहर के नजदीक पहुंचा। इससे शहर के आसपास इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर तैनात होकर हाथियों पर ड्रोन कैमरे से नजर बनाए हुए है। दरअसल अंबिकापुर शहर में हाथियों की मौजूदगी पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि खैरबार से लगे नर्सरी में हाथी पहुंच गया। वहीं हाथी ने आते समय शहर के कुछ इलाकों में दीवार तोड़कर नुकसान भी पहुंचाया है, जिसकी वजह से शहर के आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया है। वहीं मौके पर वन विभाग की आला अधिकारी भी मौजूद है। अब देखना होगा कि हाथी को वन विभाग कब तक जंगल की ओर खदेड़ पाते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंबिकापुर के फल व्यवसायी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आपको बता दें कि अंबिकापुर के रहने वाले प्रभु गुप्ता के द्वारा जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेब व फल मंडी के व्यवसायियों से 1.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई थी, जहाँ फल व्यवसायियों ने फल लेकर रुपए नहीं देने का आरोप लगाया था, जिस पर बारामूला जिले की पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है, जहां से बारामूला पुलिस ट्रांजिट रिमांड में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर ले गई है। इसमें नमना कला का प्रभु गुप्ता अपने यहां अंबिकापुर का कोई व्यवसायी है, वो वहां फल की मंडी से फल के व्यवसायियों से प्रार्थी से कुल करीबन 1,05,30,270 रुपए की ठगी व्यवसायिक माल खरीद करके और पेमेंट न देते हुए किया था, जिससे मामला प्रथम दृष्टया अपराध ठगी का पाए जाने से वहाँ की पुलिस टीम सहित यहाँ आई थी और अंबिकापुर की स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करेंगे अंबिकापुर कोर्ट में और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर के अपने संबंधित कोर्ट में जम्मू कश्मीर में ले जा करके उसकी आगे में कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर में युवक की कुएं में लाश मिली है। आपको बता दें कि लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि लड़की के घर पर युवक को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। लड़की के पिता ने घटना के स्थल कुछ ही दूर पर लाश को कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के हिरासत में ले लिया है। यह पूरी घटना पुलिस चौकी के लोधी गाँव की बताई जा रही है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।